गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडेज टॉपिक इज द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स। इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ एनिमल्स। आज के लेसन का नाम है हमारे द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स। इस लेसन में हम मेनी टाइप्स के एनिमल्स के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। सम एनिमल्स आर स्मॉल एंड सम एनिमल्स आर बिग, and some animals are short and some animals are tall also. Okay, student, see this picture carefully. Which animal show in this picture? Yes, lion, horse, giraffe, camel, kangaroo, goat, dog, monkey, snake and hen. We see many animals around us. Animal divide into different group. हम हमारे आजू बाजू में बहुत टाइप्स के एनिमल्स देखते हैं और अलग अलग ग्रुप के भी एनिमल्स देखते हैं. We will learn all groups, some animals in this lesson. आज हम ये एनिमल्स के बारे में जानकारी लेने वाले हैं. Plant and animal live all around us in a different place. Just like a plant, animals are also different kinds of size. Some animals tall, some animals short, and some animals are big and some animals are small. Firstly, we see domestic animals. Animals we keep near the home or a farm for work, food are called domestic animals. जो एनिमल्स हमारे घर के आजू बाजू में और फार्म में रहते हैं और हमें वर्क करने के लिए हेल्प करते हैं और वो हमें फूड देते हैं, उनको क्या कहते हैं? डोमेस्टिक एनिमल, लाइक काउ, शीप, हॉर्स आर डोमेस्टिक एनिमल. काउ गिव अस मिल्क, शीप गिव अस वूल, हॉर्स carry the load and help us to travel. Okay, next one is a pet animals. We keep some animals at our home for joy. They are called pet animals, like a dog, cat, rabbit and parrot are some pet animals. We must take care of pet animals and love them. जो एनिमल्स हमारे घर में हमारे साथ रहते हैं और उनको हम उसको प्यार करते हैं, वो एनिमल जो है उनको क्या कहते हैं? पेट एनिमल्स. ओके, देन नेक्स्ट वन इज अ लैंड एनिमल्स. सम एनिमल लिव ऑन अ लैंड, फॉर एग्जांपल जिराफ, एलिफेंट, टाइगर, लॉयन, बियर एंड डियर. कुछ एनिमल्स जमीन पे रहते हैं, उनको क्या कहते हैं? लैंड एनिमल. जैसे जिराफ, एलिफेंट, टाइगर, लॉयन, बियर एंड डियर आर कॉल्ड लैंड एनिमल्स. ओके, नेक्स्ट वन वाटर एनिमल्स. सम एनिमल लिव इन अ वाटर, लाइक अ फिश, शार्क, ऑक्टोपस, सी हॉर्स, दे आर कॉल्ड वाटर एनिमल्स. फिश हैव अ स्पेशल ऑर्गन लाइक अ गिल्स टू हेल्प देम ब्रीथ इन द वाटर. स्केल्स एंड फिन्स हेल्प देम स्विम इजिली. जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं उनको वाटर एनिमल्स कहते हैं. और फिश जो है उसको स्पेशल ऑर्गन्स होता है, उसे क्या कहते हैं? गिल्स. वो गिल्स के हेल्प से वाटर में सांस ले सकती है और वाटर में रह सकती है. ओके, नेक्स्ट वन इज अ लैंड एंड वाटर एनिमल्स. एनिमल लाइक अ डक, फ्रॉग, टॉर्टोइस एंड क्रोकोडाइल लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, दे आर कॉल्ड वाटर एंड लैंड एनिमल्स. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि वो वाटर में भी रह सकते हैं और जमीन पे भी रह सकते हैं, उनको क्या कहते हैं? वाटर एंड लैंड एनिमल्स. कि जैसे टॉर्टोइस, क्रोकोडाइल, फ्रॉग, डक, ये क्या है? वाटर एंड लैंड एनिमल्स. ओके, नेक्स्ट वन इज अ इंसेक्ट.
Insect are very small animal. They have 6 legs and some have wings to fly. इंसेक्ट जो होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं और इंसेक्ट को कितने लेग्स होते हैं? 6 लेग्स होते हैं और कुछ इंसेक्ट को विंग्स भी होते हैं और वो विंग्स की हेल्प से फ्लाई कर सकते हैं. एग्जांपल ऑफ मॉस्किटो, कॉकरोच, बटरफ्लाई, ग्रासहॉपर एक्सेट्रा, दे आर कॉल्ड इंसेक्ट. ओके, तो आपको ये लेसन समझ में आया बच्चों? ये लेसन में हम मेनी टाइप्स के एनिमल्स के बारे में हमने जानकारी ली है. कौन से टाइप के एनिमल्स देखे हमने? देखो, डोमेस्टिक एनिमल, पेट एनिमल, लैंड एनिमल, वाइल्ड एनिमल्स, वाटर एनिमल, लैंड एंड वाटर एनिमल एंड लास्ट वन इज अ इंसेक्ट. तो आपको समझ में आया कौन से एनिमल्स वाटर एनिमल्स होते हैं, कौन से वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, कौन से लैंड एनिमल्स होते हैं, कौन से इंसेक्ट होते हैं? ओके, थैंक यू.